हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम इस एम्पलीफायर को बनाना जा रहे हैं। पहले मैंने सीवीडी नहीं बनाई, ये बिल्कुल कंप्लीट था सारा कुछ। ट्रांसफार्मर भी था इसमें, हीटसिंक भी थी, ट्रांजिस्टर भी थे, सब कंप्लीट था। लेकिन फिलहाल मैं अब ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये इसका मेन वॉल्यूम है, ये बेस है, ट्रावल है, ये मिड है, ये ट्रावल है, ठीक है। ये इसकी हम इसे ही चालू करेंगे, ठीक है। इसकी जो ये प्लेट है हम इसे ही चालू करेंगे और अलग से मैं इसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, आप समझ जाएंगे। इसका भी कोई ज़्यादा इसमें फारसी की आँख नहीं है, ठीक है। ये भी नू ही हो जाता समझने वाले के लिए, कुछ भी नहीं है। इसका पूरा अलग से वीडियो बना दूंगा, कनेक्शन कैसे होते हैं, क्या होता है, सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका है, इस पर लिख रहा है ओम स्टार, ठीक है, 1000 वाट PBT 1000 वाट। और इसमें फ़िलहाल कंडेंसर लगे हुए हैं दो, लेकिन हम चार यूज़ कर रहे हैं, चार यूज़ करेंगे, ठीक है। और आप अगर लगाना चाहते हो, कोई एम्पलीफायर बना रहे हो, अगर आप लगाना चाहते हो आउटपुट, तो लगा सकते हो, लेकिन मैं आउटपुट लगाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि डीजे पर सेट चलता है तो आउटपुट का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। डायरेक्ट बहुत बेहतरीन चलेगा, फर्स्ट क्लास। पीछे से इसकी ये हालत है, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा आपको जब दिखाऊंगा मैं, अभी तो फ़िलहाल जो भी है ये है आपके सामने। इसकी हीटसिंक मैंने तैयार कर ली है, ये हम हीटसिंक यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसमें हमारे लगे हुए हैं मोसफेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोसफेट इधर हैं, 10 इधर हैं, मतलब 12 10 अगर 20 मोसफेट हैं। और हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं इसमें गोल डूमर जो होता है वो खींचूंगा, जिसको ट्रांसफार्मर गोल होता है, पहले चौकोर था लेकिन अब गोल खींचूंगा, उसमें बेस अच्छा आएगा। और ये जो प्लेट है आपकी बेस ट्रेवल प्लेट, ये भी मैं अपनी ही बना कर लगाऊंगा, जो मेरी अपनी कंपनी की होती है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं जब दिखाऊंगा आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और अगर किसी पर कोई कनेक्शन नहीं हो पा रही तो पूछ सकते हैं कि कैसे कनेक्शन होंगे, मैं सब बता दूंगा। फिलहाल तो मेरे पास बहुत सेट कटने के लिए आए हुए हैं, ये कुछ 250-250 वाट के एम्पलीफायरों के मेन हैं, इनका काम चल रहा है, ये रिपेयर होके जाएंगे। ये एम्पलीफायर है, अभी मैंने न्यू एम्पलीफायर है ये बनने के लिए आया हुआ, CAB आप देख पा रहे होंगे, तो काट दिया हमने, तैयार करने वाले हैं इसको, कल परसों में कर देंगे तैयार, ठीक है। इसकी सप्लाई ये है, ये सप्लाई हम काम में, खाली कंडेंसर कैपेसिटर होते हैं ये काम में लेंगे, और ये इसके जो है ब्रिज डायोड काम में लेंगे, बाद बाकी इसकी PCB वगैरह फेंक देंगे निकाल करके, ठीक है। किसी भाई को अगर PCB चाहिए तो इसमें कि काफ़ी चालू PCB पुरानी पड़ी हुई है मेरे पास, जो कि बतेरे लोगों की जल जाती हैं PCB, और वो ढूंढने से नहीं मिलती, तो मेरे पास मिल जाती है, कूड़े के भाव दे दूंगा मैं, ठीक है। धन्यवाद। तो भैया जी, मैंने ये बॉडी खाली कर दी है, अब मैं इसको फिट करूँगा, ठीक है। जब मैं इसको फिट करूँगा मैं आपको जब दिखाऊँगा, फ़िलहाल तो ये मैंने खाली कर दिया है, ठीक है। ये इसी तरीके से है, ठीक है ना। हेलो दोस्तों, तो ये एम्पलीफायर जो ओम स्टार का था, ये फाइनली तैयार हो चुका है। तो इसका सामान भी पता नहीं किधर चला गया, किधर फेंक दिया जो और था। ये बेस ट्रेवल PCB प्लेट है इसकी, मैंने ये भी निकाल कर फेंक दी, ठीक है। तो अब बेस ट्रेवल प्लेट मैंने अपनी ही बना कर लगाई, जो हमारी होती है, ठीक है। ये मास्टर है, ये बेस है, ये मिड है, ये ट्रेवल है, और ये सब मैंने चालू कर दिया इसके ऐसे की ऐसी, ठीक है। और इसके कंडेंसर इधर लगे होते हैं, तो ये कई कंपनियों में आता है। पहले ये ओमेगा 1000 वाट आता था, ऊंची हाइट वाला, जिसमें कि ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ये ट्रांसफार्मर इस रिले के लिए होता है। ये स्विच के लिए होता है ट्रांसफार्मर, जैसे कि ये छोटा स्विच है, एम्पलीफायर काफ़ी बड़ा है ये, तो स्विच ना जल जाए उसके लिए ये ट्रांसफार्मर होता है। ये खाली
स्विच ट्रांसफार्मर ऑन करता है। ऑन करने के बाद इस ट्रांसफार्मर में सप्लाई इस रिले में चली जाती है, रिले ऑन हो जाती है। एक्टिवेट होने के बाद आपके मेन में सप्लाई आ जाती है और मेन में एक्टिवेट होने के बाद पूरा चैनल एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो पहले इसमें ट्रांजिस्टर थे लगे हुए, वो भी बीसी थे, और मैंने मोसफेट भी बीसी कर दिए हैं, और जो कि ड्राइवर बोर्ड था इसका अलग था, वो था आपका 024024, ये है आपका 70070। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 20 ही है इसमें, थोड़ा बेस अच्छा आएगा, पंच अच्छा आएगा पहले से। और पहले इसमें दो कंडेंसर थे इस साइड में खाली, और चार इस साइड में दो कंडेंसर थे और चार थे डायर रोड, तो ब्रिज डायर रोड तो दो कर दिए मैंने क्योंकि हाई सप्लाई हो गई। और रही पंच की बात, अगर जो हम दो लगाते तो वही पंच आता पुराना वाला जो था पहले, लेकिन मैंने चार कर दिए तो डबल पंच आएगा। ठीक है, दो इधर साइड में है और दो इधर साइड में है, आप देख पा रहे होंगे चार कैपेसिटर लगा दिए हमने। और इसका टर्मिनल टूटा हुआ था ये, तो ये चेंज कर दिए मैंने, टर्मिनल नहीं लगा दिए हैं। और ये स्पीकॉन सॉकेट चालू कर दिया है, दोनों ये चालू हैं आपके। ठीक है, अब ये एकदम फर्स्ट क्लास है। प्रोटेक्शन बोर्ड मैंने इधर लगा दिया, ड्राइवर बोर्ड इधर लगा दिया, और बेस्ट ट्रेवल बोर्ड अपना इधर लगा दिया मैंने, आप देख पा रहे होंगे। और मेन वॉल्यूम इधर है ही है अपना, और जो पहले ये काफ़ी भारी था, तो भारी के पीछे इसकी बॉडी भी जो है सेंटर आउट होने लगी थी, गलने लगी थी, और जान भी नहीं बॉडी में, और ये मुड़ने लगी थी, तो इसलिए मैंने वजन काफ़ी हल्का हो गया इसका, क्योंकि मैं एक तो इधर मेन ट्रांसफार्मर होता तो 7 नंबर 3 इंची बॉबिन में होता, तो वो ट्रांसफार्मर निकाल दिया, उसका भी काफ़ी वजन होता, वेट होता है, कोर खाली कोर का ही लोहे का वजन होता है। ठीक है, 4 नंबर 3 इंच इधर होता है लगा हुआ, वो आउटपुट होती है, वो भी मैंने निकाल दिया, उसका भी कोई काम नहीं है अब, क्योंकि अब ये बेहतरीन सप्लाई देता है एकदम। मेरे पास फ़ोन एक ही है फ़िलहाल में, जो कि मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करके चलाता हूँ, तो अगर मैं चलाऊँगा तो वीडियो नहीं बन पाएगी, तो इसलिए मैं वैसे ही आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छा ऑन होता है ये आपकी, ये भी लेवल मैंने चालू कर दिए इसके। ठीक है, ये ऑन करने पे पावर लाइट जलती रहेगी और ये एक्टिवेट लाइट जल के बंद हो जाएगी, इस तरीके से आपका ये अब ऑन हो गया। ठीक है, ये बेस हो गया, ये ट्रामिड हो गया ट्रेवल, वैसे लाजवाब बज रहा है एम्पलीफायर, जो बात है बहुत बेहतरीन चल रहा है। और जिसके पास भी ये एम्पलीफायर हो या कोई मिस्त्री हो तो मेरे को बताना कि मैंने ये सही किया या क्या किया। ठीक है, ये फैन है इसका, जाली मेरे पास ख़त्म हो गई, मैं 100 पीस लाया था जाली के, सब ख़त्म हो गए, पूरा डब्बा लाया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।